देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एचपी का लैपटॉप है और ये ऑन नहीं हो रहा। आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका, यहाँ देखिए एक सेकंड। यहाँ देखिए दोस्तों, जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है। एक सेकंड प्ले करता हूँ, ये देखिए लाइट ही ब्लिंक कर रही है और मैंने लैपटॉप को ऑन कर रखा है। ये देखिए लैपटॉप को मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है और यहाँ लैपटॉप ऑन भी हो गया मेरा। और कैप्स लॉक की जो लाइट है वो कर रही है ब्लिंक। दिखाता हूँ इस, ये देखिए ब्लिंक कर रही है, ठीक है। पर लैपटॉप की जो स्क्रीन है उस पर कुछ नहीं आ रहा है, वो चालू नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके हाथ में ये प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार अपना जो चार्जर है लैपटॉप का वो भी लगा दिया है, ताकि क्या पता इससे ऑन हो जाए लैपटॉप हमारा। तो मैंने चार्जर यहाँ पर ऑन कर दिया है, देखिए लाइट यहाँ पर आ गई है। और अब देखते हैं कि लैपटॉप हमारा ऑन होता है नहीं होता। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ लैपटॉप में, अभी तक कुछ भी नहीं आया। सेम वही प्रॉब्लम है, कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक कर रही है और लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए इसके लिए दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी रैम में। आता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है आपकी रैम में। जो आपके लैपटॉप की रैम है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप की रैम को बाहर निकालना है। देखिए लैपटॉप की रैम है, इसको आपको बाहर निकालना है और रबड़ से साफ करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रबड़ होती है, जिसे जो इरेजर कहते हैं, उस रबड़ से आपको इसे साफ करना है। इसके जो पॉइंट है उनको साफ करना है अच्छी तरह, फिर वापस से लगानी है, ठीक है। ये करना है आपको, प्लस में आपको थोड़ी सी सफाई भी करनी है, थोड़ी धूल मिट्टी जम जाती है इसके ऊपर, थोड़ी सफाई करनी है आपको। और उसके बाद आपको इसे फिट करना है। देखिए मैं साफ़ कर रहा हूँ यहाँ पर रबड़ को, रबड़ से साफ कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आपको हल्के हाथ से साफ करना है, तो उस पर कार्बन जम जाता है और कार्बन जमने की वजह से क्या होता है, कनेक्टिविटी बैठ नहीं पाती। इस वजह से लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हो पाता, उससे रैम का जो कनेक्टिविटी है वो मिल नहीं पाती है। इस वजह से लैपटॉप हमारा ऑन हो नहीं पाता है, ठीक है। आता हूँ मैं एक सेकेंड, ये देखिए साफ़ करके मैंने वापस से लगा दिया है इसको। और दोस्तों आपको बैटरी अगर आपकी रिमूवेबल है तो आप इसको एक बार निकाल के वापस से लगा दो। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले हम क्या करते थे, जब फ़ोन हमारा स्विच ऑफ होता था तो फ़ोन की बैटरी निकाली वापस से लगा दी, फिर फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो मे भी क्या पता है इस वजह से भी आपका लैपटॉप ऑन हो जाए, ठीक है। तो हमने एक तो रैम साफ कर ली अपनी, और दूसरा हमने ये जो अपनी बैटरी है इसको बाहर निकाला, और इसके जो पॉइंट है इसको भी रबड़ से साफ करके आपको इसको वापस से लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये काम भी कर लेते हैं। देखिए बैटरी कितनी गंदी बैटरी, देखिए आप देखिए कितनी धूल मिट्टी है। साफ़ कर दिया मैंने, साफ़ करके वापस से इसे लगा रहा हूँ। और दोस्तों लगाते समय आप ध्यान रखना कि इसके जो खांचे होते हैं वो टूट ना जाए, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं, तो बहुत सावधानी से आपको इसे लगाना है। और देखिए मैंने लगा दिया है, और अब इसके स्क्रू हम टाइट कर लेते हैं आराम से। दोस्तों ये काम हो गया, अब देखते हैं लैपटॉप हमारा ऑन होता है कि नहीं होता। मैं इसको करता हूँ एक सेकेंड ऑन, कि मैंने ऑन बटन दबाया और देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पर कुछ नहीं आया है और वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन हो गया है, हाँ दोस्तों कुछ भी नहीं आया स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आ गया स्क्रीन पर आ गया। दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक सेकंड, दोस्तों हमने क्या किया है, हमने रैम को साफ किया है और वापस से लगा दिया, ठीक है, और हमारा लैपटॉप ऑन हो गया। मे भी हो सकता है आपके केस में लैपटॉप ऑन ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मेरे लैपटॉप में दो रैम थी, तो मैंने एक रैम को निकाला, दोनों में से एक रैम को निकालना है आपको, फिर लैपटॉप को ऑन करके देखना है। अगर लैपटॉप आपका ऑन हो जाता है तो उसका मतलब उस रैम में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब वो रैम आपकी ख़राब नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रैम ख़राब हो गई, आपको उस रैम को जो निकाली थी उसको फिर से साफ करना है और फिर से लगाना है,
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बदल बदल के देख सकते हो कि किस रैम की वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कर लिया आपने, बैटरी साफ कर ली, लैपटॉप की जो रैम है वो साफ कर ली, रैम को एक निकाल के देख लिया, लैपटॉप ऑन कर लिया, वो भी कर लिया, सब कर लिया। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है तो उस केस में आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। और अगर सॉरी यदि आपका लैपटॉप वारंटी में है तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो, वो आपको घर बैठे सर्विस देंगे। ठीक है, पर अगर वारंटी ख़त्म हो गई है तो आपको अपने लैपटॉप को सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा, दुकान पर दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में आपके तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहो तो हमें सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट आप करोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।